7 जुलाई की सुबह सुबह मुंबई के वर्ली में एक बड़ा हादसा हो गया, जहां एक तेज रफ्तार BMW कार ने स्कूटी सवार दंपति को रौंद दिया। वर्ली के गोलीवाड़ा में रहने वाले प्रदीप नखवा अपनी पत्नी कावेरी नखवा के साथ मछली लेने ससुर डाक गए थे। मछली लेकर दोनों वापस लौट ही रहे थे कि तभी उन्हें एक BMW कार ने पीछे से ठोकर मार दी। घटना में महिला कावेरी की मौत हो गई, वहीं उनके पति प्रदीप नखवा घायल है। हादसा एड्रिया मॉल के पास सुबह लगभग 5 बजे हुआ। हिट एंड रन का आरोप शिवसेना नेता राजेश शाह के बेटे मिहिर शाह पर लगा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मिहिर तेज स्पीड में गाड़ी चला रहा था, इसी दौरान टक्कर हो गई। टक्कर के बाद प्रदीप नखवा और उनकी पत्नी सड़क पर जा गिरी। कावेरी गाड़ी के नीचे आकर आधे किलोमीटर तक कार के बम्पर में अटकी रही और घिसट कर उनकी मौत हो गई। आरोपी मिहिर महज 24 साल का है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक मिहिर ने शायद शराब पी रखी थी। हादसे के बाद कार चला रहा मिहिर शाह फरार। मिहिर का फोन भी बंद है। फिलहाल पुलिस ने मामले पर शिंदे सेना नेता राजेश शाह को हिरासत में लिया है। वहीं पुलिस ने कार चला रहे मिहिर शाह की गर्लफ्रेंड को पूछताछ के लिए बुलाया है। पुलिस की एक टीम मिहिर के दोस्त के घर भी रवाना हुई है। मामले पर अब राजनीति भी तेज हो गई। हादसे के बाद आदित्य ठाकरे वर्ली पुलिस स्टेशन पहुंचे और पीड़ित से भी मुलाकात की। उन्होंने कहा कि जो गाड़ी का ड्राइवर है उसे पकड़ा जाना चाहिए और कड़ी सजा भी मिलनी चाहिए। इस पुलिस स्टेशन में दबाव डालने के लिए कोई भी राजनीतिक फोन ना आए, ये मेरी मांग है। ठाकरे ने कहा कि ये दिल दहला देने वाली घटना है, मैं इसे कोई राजनीतिक रंग नहीं देना चाहता। हमने अपराधी को गिरफ्तार करने की मांग की है। मैं पीड़ित से मिला, उसने मुझे बताया कि ये कैसे हुआ, ये स्पष्ट रूप से हिट एंड रन था। सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट में शिवसेना नेता ने कहा कि मुंबई में यातायात नियमों का उल्लंघन तेजी से बढ़ा है और सड़क नियम तोड़ने वालों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए।